नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल राज और आप देख रहे हैं बकपोल। एक्सीलेंस स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा दीक्षा माथुर के परिजन आखिर 28 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। इससे पहले परिजनों ने एस के हॉस्पिटल के मुर्दा घर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रशासक जावेद जाटू को हिरासत में ले लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इस घटना के बाद प्राइवेट स्कूल कोचिंगों की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि छात्रा को क्लास में टीचर से डांट पड़ी थी, जिसके बाद वह स्कूल की चौथी मंजिल के छज्जे पर जाकर बैठ गई, जहां से वह नीचे गिर गई। परंतु इस कहानी को घरवाले मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि दोषियों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।